नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मजेदार कैमरा कंपैरिजन वीडियो में। तो आज हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं Vivo V23 के कैमरास को Samsung Galaxy M52 के साथ। अब इन दोनों के बीच में कैमरा कंपैरिजन करने का रीजन ये है कि जो दोनों ही फोन है आपको सेम प्राइस कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं, तो 25 से लेकर 30,000 की रेंज में दोनों ही फोन देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर कैमरा सेटअप के बारे में बात करी जाए तो M52 में आपको दिया गया ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, एंड फ्रंट में मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो वहीं पे अगर बात करी जाए Vivo के बारे में तो वहां पे भी ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, एंड फ्रंट की बात करी जाए तो वहां पे आपको ड्यूल कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। तो अगर यहां पे आप ऑन पेपर देखेंगे तो जो अल्ट्रा वाइड है, जो मैक्रो है, वो आपको Samsung में बेटर देखने को मिलता है, फ्रंट कैमरा Vivo में बेटर देखने को मिलता है। बट ऑन पेपर स्पेक्स को हम साइड में रख देते हैं, एक्चुअल कंडीशन में टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में कौन सा कैमरा बेहतर परफॉर्म करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डेलाइट कंडीशन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है, बट दोनों ही इमेज यहाँ पे डिफरेंट आई हुई है। Vivo ने यहाँ पे कलर्स को स्लाइटली बूस्ट किया है, Samsung ने कलर्स को बिल्कुल भी बूस्ट नहीं किया है। एंड उसके अलावा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो भी आपको Samsung में ज्यादा देखने को मिल जाता है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस अगर आप नोटिस करेंगे तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। डायनामिक रेंज भी अगर आप देखते तो वो भी दोनों में इक्वल है, बट जो स्किन टोन है उसका यहाँ पे अगेन आपको डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। Samsung ने यहाँ पे ज्यादा क्लोज टू नेचुरल रखा है, Vivo ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आप देख सकते हैं Vivo की इमेज यहाँ पे काफी बेहतर लग रही है, सारी चीजों को काफी सही तरीके से मैनेज कर लिया है, जबकि Samsung में आप देख सकते हैं कि कलर्स वगैरह तो फिर भी ठीक आए, बट जो बैकग्राउंड में स्काई वाला पार्ट है वो बिल्कुल ही वॉश आउट हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि Vivo ने उस पार्ट को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। स्किन टोन की बात करी जाए तो नेचुरल स्किन टोन यहाँ पे Samsung ने दिखाया, Vivo ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्यूटीफाई किया है एंड थोड़ा सा पिंकिश स्किन टोन बनाया है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो दोनों की ही इक्वल है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, एज डिटेक्शन दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं। कलर्स वगैरह आपको Vivo में थोड़े से बूस्टेड देखने को मिल जाते हैं, थोड़े से कूलर टोन देखने को मिलते हैं, Samsung में आपको एक्चुअल टोन ही देखने को मिलता है। एंड अगेन जो डायनामिक रेंज है वो आपको Vivo में बेटर देखने को मिल रही है। डेलाइट कंडीशन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई कुछ ऑब्जेक्ट की फोटोस है एंड यहाँ पे भी अगेन आपको यही डिफरेंस नोटिस होगा कि जो फील्ड ऑफ व्यू है वो Samsung में ज्यादा देखने को मिल रहा है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो Samsung में बेटर है। डायनामिक रेंज अगर आप देखते हैं तो दोनों में ही इक्वल है एंड जो Vivo है वो थोड़े से कूलर टोन ऐड करता है हर एक कंडीशन में, कलर्स को स्लाइटली बूस्ट करता है, Samsung कलर्स को बिल्कुल भी बूस्ट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ की डिफरेंसेस है जो आपको नोटिस हो जाएंगे दोनों ही फोन की इमेजेस में। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेजेस है, यहाँ पे अगेन दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट यहाँ पे भी सेम डिफरेंस आपको नोटिस हो जाएगा। Vivo यहाँ पे कूलर टोन ऐड करता है हर एक कंडीशन में, कलर्स को स्लाइटली बूस्ट करता है, Samsung कूलर टोन वगैरह ऐड नहीं करता है, एक्चुअल कलर्स को ही रिफ्लेक्ट करता है, इतने ज्यादा बूस्ट वगैरह नहीं करता है। एंड यहाँ पे अगर आप डिटेलिंग नोटिस करेंगे, शार्पनेस नोटिस करेंगे या फिर डायनामिक रेंज देखेंगे, दोनों का ही परफॉर्मेंस इक्वल है, वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट जो कलर्स वगैरह वो यहाँ पे Samsung नेचुरल दिखाता है, नेचुरल प्रोड्यूस करता है, Vivo थोड़े से बूस्ट करता है। तो दिस डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको किस तरह का आउटपुट पसंद आता है। दोनों ही फोन में 64 मेगापिक्सल मोड में निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं Vivo ने काफी ज्यादा कूलर टोन ऐड किया है, Samsung ने एक्चुअल टोन मेंटेन किया है, बट डिटेलिंग कहाँ पे बेहतर है वो देख लेते हैं। जूम इन करने के बाद देख सकते हैं कि डिटेलिंग तो दोनों की ही अच्छी है, बट ओवरऑल जो कलर्स का आउटपुट है वो मुझे Samsung का बेटर लग रहा है। दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है, बट ओवरऑल यहाँ पे किसी को पिक करना हो तो मैं Vivo का आउटपुट पसंद करूंगा, बिकॉज जो स्किन टोन वगैरह उसने बेटर मैनेज करा है, शर्ट का कलर है वो एक्चुअल रखा है, जबकि Samsung ने यहाँ पे शर्ट के कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा कूलर टोन ऐड कर दिया है एंड बाकी जो डिटेलिंग है इमेज में, शार्पनेस है, वो दोनों ने ही अच्छी मेंटेन करी है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद एज डिटेक्शन दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। एंड यहाँ पे जो बैकग्राउंड में स्काई वाला पार्ट है वो भी आप देख सकते हैं दोनों ही फोन काफी सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उसका भी कोई इश्यू नहीं है। बट ओवरऑल अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो शर्ट का कलर वगैरह है वो Vivo ने बेटर मैनेज करा है, Samsung ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा है। इंडोर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है, यहाँ पे मुझे Samsung की इमेज बेटर लग रही है, बिकॉज कलर एक्यूरेसी वहाँ पे काफी बेहतर है। जो टी शर्ट का कलर दिखाया है उसको Vivo ने यहाँ पे एकदम ही चेंज कर दिया है, एक्चुअल नहीं दिखाया है। एंड उसके अलावा अगर आप जूम इन करके डिटेलिंग एंड शार्पनेस भी नोटिस करेंगे तो वो भी आपको Samsung में बेटर मिल रही है। तो यहाँ पे क्लियरली Samsung बेटर है। इंडो प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, यहाँ पे अगेन Samsung की इमेज मुझे बेटर लग रही है, बिकॉज जो कलर एक्यूरेसी वो काफी बढ़िया है, स्किन टोन भी काफी सही मेंटेन किया है Vivo ने, यहाँ पे अगेन स्किन टोन को थोड़ा सा ब्राइट अप कर दिया है, टी शर्ट के कलर को एकदम ही चेंज कर दिया है।
बाकी जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस है वो दोनों की ही अच्छी है। इंडोर पोर्ट्रेट मोड में निकाली गई कुछ इमेजेस हैं एंड यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि एयर डिटेक्शन तो दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बट अगेन जो कलर एक्यूरेसी है वो आपको सैमसंग में ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि वीवो यहाँ पे टी शर्ट के पूरे कलर को चेंज कर रहा है। इंडोर प्राइमरी कैमरा से निकाली गई कुछ ऑब्जेक्ट की फोटोज है एंड यहाँ पे भी अगेन वीवो आपको एकदम ही ब्राइट आउटपुट देता है, कलर्स को बूस्ट कर देता है, सैमसंग कलर्स को बूस्ट नहीं करता है, ज्यादातर एक्चुअल कंडीशन की तरह ही रहती है उसकी इमेजेस, तो ये डिफरेंस क्लियरली आपको यहाँ पे भी नोटिस हो जाएगा। एंड कुछ कुछ कंडीशन में सैमसंग यहाँ पे कूलर टोनेट करता है, वीवो वो चीज नहीं करता है, तो वो यहाँ पे वीवो ने अच्छा काम किया है बट ओवरऑल कलर्स को स्लाइटली बूस्ट करता है। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आपको किस तरह का आउटपुट पसंद आता है। इंडोर फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, अगेन आप देख सकते हैं कि वीवो ने यहाँ पे अच्छा काम किया है कलर्स के मामले में, स्किन टोन के मामले में, सैमसंग ने यहाँ पे भी काफी ज्यादा कूलर टोन ऐड कर दिया है एंड ये एक्चुअल कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो उसी वजह से वीवो का आउटपुट मुझे बेटर लगा है एंड जो स्किन टोन वगैरह है वो भी यहाँ पे वीवो ने बेटर मैनेज करा है जबकि सैमसंग ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद इंडोर कंडीशन में भी एज डिटेक्शन दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं एंड बाकी कलर्स वगैरह जैसा हमने लास्ट इमेज में नोटिस करा था वैसा ही यहाँ पे भी देखने में आता है। लो लाइट में निकाली गई इमेज है, यहाँ पे दोनों ही फोन ने ठीक काम किया है एंड ये विदाउट नाइट मोड है, नाइट मोड को ऑन किया है, नाइट मोड दोनों ही फोन का बेकार है। वीवो में तो यहाँ पे काफी ज्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है, सैमसंग में वो इश्यू नहीं है, बट थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ मूव करता है नाइट मोड के दौरान तो फिर इमेज आपकी ब्लरी आती है एंड ये मैंने बहुत बार ट्राई किया तब जाके ये इमेज आई थी। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि दोनों ही फोन का आउटपुट बेकार है, यहाँ पे मैंने फ्लैश को यूज करा है एंड उस मामले में वीवो बेटर है, बिकॉज वहाँ पे आपको स्क्रीन फ्लैश भी देखने को मिल जाता है एंड उसके अलावा आपको जो एक्चुअल फ्लैश है वो भी देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग में नहीं है, तो उस मामले में वीवो आगे है। लो लाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड इमेज निकाली है, वीवो का आउटपुट बेटर है। नाइट मोड को ऑन करने के बाद सैमसंग की इमेज भी काफी इंप्रूव हो जाती है, अब यहाँ पे दोनों ही इमेज ऑलमोस्ट इक्वल लग रही है। लो लाइट में प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, दोनों ही इमेज यहाँ पे अगेन अच्छी आई हुई है, विदाउट नाइट मोड है। नाइट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही इमेज में डिटेलिंग वगैरह काफी बेहतर हो जाता है एंड अगेन मुझे दोनों ही इमेज सिमिलर ही लग रही है। ये कुछ और सैंपल है, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो के सैंपल भी देख लेते हैं। दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड 1080 पिक्सल 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों ही फोन में आप 4K में भी शूट कर सकते हैं 30 FPS पे, तो 1080 60 पे आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल फुटेज की क्वालिटी किस तरह की आ रही है, ऑडियो पिकअप वगैरह किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड जो स्काई वाला पार्ट है वो यहाँ पे दोनों ही फोन ओवर एक्सपोज कर रहे हैं। वॉक करके स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी को यहाँ पे दोनों में से किसी भी फ़ोन में अभी के लिए नहीं लग रही है एंड अभी मैं आपको डायरेक्शन लाइट में आके भी दिखा देता हूँ, लेट्स सी वहाँ पे किस तरह से मैनेज करते हैं दोनों ही फ़ोन डायनामिक रेंज वगैरह। ओके, यहाँ पे मुझे ऑन स्क्रीन इतना आइडिया नहीं लग रहा है बट आप लोगों ने एक्चुअल फुटेज देखी है तो आप लोगों को बेटर आइडिया लगेगा। दोनों ही फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ, 1080 पिक्सल 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ। वीवो में आप मैक्सिमम वहीं तक शूट कर सकते हैं, सैमसंग में आपको अल्ट्रा वाइड में भी 4K 30 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, स्टेबिलिटी किस तरह की है एंड डायनामिक रेंज भी आप देख सकते हैं, एक्सपोजर किस तरह से दोनों ही फोन हैंडल कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी देख लेते थोड़ा सा वॉक करके बेटर आइडिया लगेगा। ऑन स्क्रीन मुझे सिमिलर ही लग रहा है, बाकी आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड 1080 पिक्सल 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ। दोनों ही फोन में आप अगेन मैक्सिमम 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि 1080 60 पे फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड वॉक करके स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। तो ऑन स्क्रीन तो मुझे यहाँ पे वीवो की फुटेज स्टेबल लग रही है जबकि सैमसंग में यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं लग रही है 1080 60 पे एंड एक्सपोजर भी देख लेते हैं कौन सा फ़ोन बेहतर हैंडल कर पाता है यहाँ पे। तो अगेन ऑन स्क्रीन मुझे इतना आइडिया नहीं लग रहा है, बाकी आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल रिजल्ट्स है, जो वीवो की इमेज है वो आपको कलरफुल देखने को मिलती है, ज्यादा ब्राइट देखने को मिलती है, थोड़े से कूलर टोन पे देखने को मिलती है, जबकि सैमसंग की इमेज में आपको नेचुरल टोन देखने को मिलता है, इतना ज्यादा कूलर टोन एड नहीं होता था
एंड जो स्किन टोन वगैरह है वो भी आपको ज़्यादातर एक्चुअल की तरफ देखने को मिलता है। तो अगर आपको उस तरह का आउटपुट पसंद है तो सैमसंग की तरफ जाइए, अगर आपको ब्राइट आउटपुट पसंद है तो वीवो की तरफ जाइए। एंड वीडियोस की बात करी जाए तो वहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टेबिलिटी वगैरह आपको वीवो में थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है। एंड उसके अलावा फ्रंट में भी अगर आप देखते हैं तो वीवो में आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर आप वीवो की तरफ जा सकते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।